हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे नाश्ते में। और स्कूल की छुट्टी है अंश की, तो आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। और बहुत धुंध हो रखी है हमारे इधर, मतलब कि प्रदूषण की वजह से स्कूल की भी छुट्टियाँ पड़ गई है बच्चों की, क्योंकि दिल्ली हरियाणा में अभी छुट्टियां चल रही है बच्चों की। और जगह की तो मुझे नहीं पता, लेकिन इधर मतलब कि मौसम सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। और फिर अंश की छुट्टी है अभी स्कूल की, तो मैं अभी सुबह का सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा करके नहा ली हूँ। नहा के पूजा वूजा करके फिर मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में। आज अंश का मन था मेथी के पराठे खाने का, तो फिर मेथी के पराठे बनाने चली आई हूँ मैं। और ये देखिए, पराठे हमारे मेथी के बन गए हैं, और मैं अचार के साथ अंश और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और हमने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ कंबल निकालने, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है, कंबल तो अब निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ठंड लगती है रात में। क्योंकि अभी तो बस पतला कंबल से काम चल जाता था, लेकिन अभी ठंड बढ़ गई है। कब से सोच रही थी निकालने का, लेकिन यही आसकत हो रहा था कि आज निकाल लूँगी कल निकाल लूँगी, ऐसे करते करते मतलब कि एक एक दिन निकल रहा था। लेकिन आज तो मतलब कि अंश बोलने लग गया, मम्मी आज तो आप निकाल ही लो, नहीं तो आज कल करते करते ठंड लगता है रात में। बोले चलो आज तो कंबल निकाल ही लेती हूँ, और गर्म कपड़े भी निकालने हैं तो वो भी साथ में निकाल लूँगी जब बेड खोली हूँ। तो आसकत हो जाता है ना बेड खोलने का, ये होता है कि चलो निकाल लेंगे निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये अंश का ना छोटा सा बैग है, जब 1 केजी में था जब का बैग है इसका, और ऐसे ही नया है, ऐसे ही रखी हुई है ये बैग। और कंबल अभी देखिए मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसे निकाल के ना थोड़ा सा मैं धूप भी लगा दूँगी, क्योंकि जो रखे हुए कपड़े होते हैं उसमें धूप लगाना ज़रूरी होता है, तो फिर इसे मैं धूप में निकाल के रख दूँगी। और अंश के कुछ कपड़े, गर्म कपड़े निकाल दूँगी, उसका स्वेटर वगैरह। ऐसे मैं अपना कपड़े बाहर ज़्यादा नहीं निकालूँगी, एक स्वेटर ऊपर निकाल लूँगी, जब ज़रूरत होगी तो फिर निकालती रहूँगी। क्योंकि सारे कपड़े निकाल देने से ना ऐसे भी ठंडी में ना पूरा घर भर जाता है कपड़े कपड़े से ही, तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे निकालूँगी। अभी 2-4 बस ऐसे निकाल देती हूँ अंश के लिए, बच्चों के लिए ही होना चाहिए, उनको ही है तो कभी भी मतलब कि इतना बड़ा हो गया लेकिन एक दिन में ही गंदा करके मिट्टी उट्टी लगा लेता है, पता नहीं कभी फुटबॉल खेलता है तो कभी बैट बॉल खेलता है, और कहीं से मतलब कि शाम में लगा के आ जाता है। तो बच्चे के कपड़े होना चाहिए ऊपर ज़्यादा, मेरे तो कोई बात नहीं है। अरे सभी सामान फिर रख दे रही हूँ मैं इसमें, कंबल क्योंकि सबसे नीचे रखी थी इसलिए सभी कपड़े मुझे निकालना पड़ा था, कि वही होता है ना कि कंबल के काम बस ठंड में ही होती है, तो फिर उसे हम संभाल के नीचे रख देते हैं। और कंबल निकल ही गया, इतना दिन से सोचते हुए आज मुहूर्त पूरा हो गया। सच कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि शायद मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, सोचती रहती हूँ कि आज निकाल लूँ कि आ, लेकिन निकाल नहीं पाती थी, आज कल करते करते एक ही दिन ऐसे निकल जाता था। अंश ना हंसी करता था कि मम्मी पूरा ठंड बीत जाएगी आज कल करते करते, शायद आप निकालोगे ही नहीं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, कम ठंड था तो फिर ऐसे होता था कि चलो अभी काम चल रहा है। कंबल तो निकल गई अब हमारी, अब इसे चलिए धूप में डाल देते हैं ले जाकर। आ गई हूँ, देखिए मैं छत पे जा रही हूँ, अब इसे डाल देती हूँ छत पे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं निकली है, हल्की हल्की धूप है, क्योंकि वो धुंध सी हो रखी है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा,
उसको जैसे धूप है, लेकिन धूप मतलब कि ऐसी मीठी मीठी सी धूप है, लग नहीं रही है कि धूप तेज है। और मतलब कि अभी तो ठंड में धूप भी ऐसे ही होती है, और अब धूप में बैठना अच्छा लगता है, धूप अच्छी लगती है। और आज का वीडियो मेरा इतना ही था, प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।